हरे कृष्णा, राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल। इस राधा अष्टमी मैंने अपने लड्डू गोपाल जी का किस तरह का श्रृंगार किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं लड्डू गोपाल जी को ये वाली ड्रेस पहना रही हूँ, रेड कलर की। ये वेलवेट की ड्रेस है और इसके साथ ही वेलवेट का ये एक दुपट्टा, जो कि मैं राधा रानी श्रृंगार में अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाऊँगी। और साथ ही एक मैंने नेट के फैब्रिक का भी दुपट्टा लड्डू गोपाल जी के लिए ये रेडी किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करना। तो मैंने यहाँ पे अपने गोपाल जी को ये ड्रेस पहना दी है। इसके बाद सबसे पहले मैं गोपाल जी को दुपट्टा सेट करूँगी, जो मैं फ्रंट में सेट करती हूँ। तो ये वेलवेट का दुपट्टा मैं आगे की तरफ गोपाल जी के यहाँ पे कंधे पे सेट करूँगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे छोटी छोटी प्लेट्स डाल रही हूँ और प्लेट्स डाल के गोपाल जी के कंधे के ऊपर सेट कर दूँगी। और आज गोपाल जी को मैं ये वाली कमरबंद पहनाऊँगी। तो देखिए, मैंने ये आगे की तरफ ये दुपट्टा इस तरह से सेट कर दिया है। और अब मैं गोपाल जी को कंगन और ये हार पहना रही हूँ, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि आप इसे किस तरह से बना सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। ये मांग टीका भी मैंने उसी वीडियो में आप लोगों को बनाना सिखाया हुआ है। तो बहुत ही ईजिली आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए या राधा रानी जी के लिए एक अच्छी सी ज्वेलरी तैयार कर सकते हो घर के सामान से ही। अगर आप भी अपने गोपाल जी का राधा स्वरूप श्रृंगार करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाली हुई है फुल डिटेल के साथ, कि किस तरह से आप गोपाल जी का राधा स्वरूप श्रृंगार कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहो तो देख सकते हो जाके। तो यहाँ पे मैं अपने गोपाल जी को रेड कलर की बिंदी लगा रही हूँ और इसके बाद मैं ये दुपट्टा सेट कर दूंगी सिर के ऊपर। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का मेरे लड्डू गोपाल जी का ये राधा स्वरूप श्रृंगार आप लोगों को कैसा लगा। मेरे पास एक ये जरकन की लड़ी है, रेड कलर की ही है, तो इसको मैं दुपट्टे के ऊपर इस तरह से सेट कर दूंगी। बस अब राधा रानी के श्रृंगार में ये इयररिंग्स बचे हुए हैं तो मैं ये इयररिंग्स भी लगा देती हूँ। और इस बार मैं चंद्रिका की जगह कुछ थोड़ा अलग यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास ना ये छोटे छोटे फ्लावर्स हैं रेड कलर के ही, और इनको मैं राधा जी के जो दुपट्टे के ऊपर जूड़े के ऊपर सेट कर दूंगी। और इनके नीचे ना मैंने पिन लगा ली है, और बहुत ही ध्यान से ताकि मेरे गोपाल जी को लगे ना, मैं इनको सेट कर दूंगी अच्छे से। तो सेट करने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा था। और ये फ्लावर्स लगाने के बाद बहुत ही अच्छा सा लुक निकल कर आया लड्डू गोपाल जी का, बहुत ही प्यारे लग रहे थे राधा रानी का ये श्रृंगार। और ये हाथ पर मैंने रेड कलर का पोमपम लगा दिया है। और ये है राधा रानी जी की नथ, जो कि मैं लगा देती हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने गोपाल जी को ये तिल भी लगा दिया है और नथ भी पहना दी है। अब बस इयररिंग पहनानी बाकी है। देखिए, हमारी राधा रानी बिल्कुल तैयार है। और लास्ट में मैंने क्या किया कि ये मेरे पास ना एक इस तरह का पेटल रखा हुआ था, इसको मैंने चंद्रिका की तरह पीछे की तरफ लगा दिया राधा रानी जी को। फाइनल लुक आप लोगों को कैसा लगा? ये मैंने छोटी सी डेकोरेशन की थी राधा अष्टमी पर, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करने के बाद हमने ये प्रसाद तैयार किया, जो कि राधा रानी जी को भोग लगाना था। ये हलवा, मूंग दाल का हलवा हम लोगों ने बनाया था राधा रानी जी के लिए।
और राधा रानी जी का जब जन्म हो गया तो हमने उनका अभिषेक किया कुछ इस तरह से, और थोड़ी पूजा आरती की। और उसके बाद हमारे जो राधा रानी जी है, लड्डू गोपाल जी हैं, उनको भोग लगाया, प्रसाद खिलाया। तो इस तरह से हमने राधा अष्टमी का ये सेलिब्रेशन किया। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।